दिल्ली की सर्दी ने तो जान ले रखी है, और इस समय कोई पंखा चला दे या हवा चल जाए तो हमारी जान और भी ज़्यादा आफत में आ जाएगी। लेकिन एक हवा ऐसी भी चली है जिसको देखकर तो हमें वाकई में बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बात कर रही हूँ राजा साहब, जिसका पोस्टर मकर संक्रांति पर रिलीज किया गया, और मकर संक्रांति का गिफ्ट आप सबको तो पसंद आया ही होगा। उसमें प्रभास का लुक देखकर तो मजा ही आ गया। क्या खास बात है, ये सब हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। पोस्टर जैसे ही मैंने देखा, वाकई में एक कहते ना कि एक नई एनर्जी सी आ गई। और एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी प्रभास की कि वो अपने लुक्स के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो एक अच्छे एक्टर की निशानी होती है। अब उनकी बाहुबली देख लें, डिफरेंट तरीके का गेटअप था उनका। सालार की बात कर लें, वो भी डिफरेंट तरीके की मूवी थी, एक एक्शन मोड वाले रूप में वो आए थे। और अगर आदि पुरुष की बात करें तो आदि पुरुष ज़रूर कुछ अलग हटके फिल्म थी, लेकिन कहते हैं कि उस गेटअप में वो सूट हुए कि नहीं हुए ये तो जनता बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन एक एक्टर के तौर पे प्रभास ने वाकई में एक नई पहल की, अपने आप को एक नए रोल में ढालने की कोशिश करी। थोड़े से असफल हुए तो क्या हुआ, लेकिन कहते हैं ना कुछ नया सीखो, कुछ नया करो तो अपने अंदर ही कुछ इम्प्रूवमेंट होता है। और इसी इम्प्रूवमेंट का एक उदाहरण हमें देखने को मिला, जिसमें वो लुंगी लहराते हुए हवा में चलते हुए आ रहे हैं। माय गॉड, इतना अच्छा लगा है वो पोस्टर देखकर। कुछ कुछ याद आ गए शाहरुख खान की, जब वो लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस ये कर रहे थे। रजनीकांत को भी हमने बहुत बार ऐसे गेटअप में देखा है इस तरह। वैसे तो ये साउथ का कल्चर ही है कि इस तरह डांस करना या बात करना या डायलॉग्स बोलना। हमने पुष्पा में भी अल्लू अर्जुन को देखा है ऐसे, लेकिन प्रभास को देखना थोड़ा सा अलग हटकर। तो सबसे बड़ी बात है कि एक कॉमेडी हॉरर फिल्म है, यानी कि आज के समय में आने वाली कॉमेडी विद हॉरर बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। या तो हॉरर फिल्म बनती है या कॉमेडी फिल्म बनती है। कॉमेडी के साथ जब हॉरर का मिक्सअप हो जाता है तो पता नहीं वो क्या मिक्सचर तैयार होगा, ये तो तभी पता लगेगा जब देखेंगे। लेकिन इसमें एक यूनिक चीज़ और भी है कि इसमें आपको संजू बाबा भी मिलेंगे, लेकिन विलेन के रोल में नहीं, ना ही किसी और पॉजिटिव टाइप के रोल में, ना ही किसी साइड कैरेक्टर के रोल में। वो मिलेंगे कॉमेडी करते हुए प्रभास के साथ। तो ये जोड़ी भी नई होगी जो हमें देखने को मिलेगी। और संजू बाबा यानी कि हमारे संजय दत्त तो कॉमेडी में जचते भी। हमें एक सीरियस होके कॉमेडी करना लोगों को हंसाने के लिए इतना ही काफ़ी होता है। और मुन्ना भाई MBBS के पार्ट वन पार्ट टू तो हम भूले नहीं होंगे, जिसमें संजय दत्त की कॉमेडी ने हमें बहुत गुदगुदाया था। तो अभी यही सिचुएशन इस फिल्म में भी होने वाली है, यानी कि संजय दत्त और प्रभास की जोड़ी कॉमेडी के साथ साथ कुछ हॉरर भी लेकर आ रही हैं। तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं भी देखने के लिए, आप भी एक्साइटेड होंगे। तो आप देखते हैं कि इस फिल्म का कमाल होता है। अभी तो फिलहाल मैं केवल पोस्टर की बात कर रही हूँ, जो एक कहते ना ताज़ा हवा का झोंका की तरह आ रहा है। और प्रभास इतने फ्रेश लग रहे हैं, इतने हैंडसम लग रहे हैं, इतने खूबसूरत लग रहे हैं, इतने लुभावने लग रहे हैं कि तारीफ के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। तो देखते हैं प्रभास का ये नया लुक जो उन्होंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है इस दौर में, जबकि अभी एक्शन का दौर चल रहा है, वो लेकर आ रहे हैं कॉमेडी और हॉरर। तो संजू और प्रभास की जोड़ी क्या कमाल दिखाती है, ये तो जब इसका टीजर और ट्रेलर आएंगे तब हमें पता लगेगा। लेकिन फिलहाल अभी पोस्टर से तो काफ़ी कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि हमें बहुत मज़ा आने वाला है। कुछ यूनिक सा दिखने वाला है, कुछ हंसाने वाला दिखने वाला है, कुछ डराने वाला दिखने वाला है। तो इसका ट्रेलर आने दीजिए, उसके बाद मैं फिर से हाजिर होती हूँ आपके सामने। तब तक आप मेरे पुराने वीडियोज़ देखिए प्लेलिस्ट में जाकर, और कमेंट्स करिए कि आपको कौन कौन से वीडियोस पसंद आए हैं। और आप चाहें तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। बाय बाय।